तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गाय भैंसे गाभिन नहीं हो पाती है, बार बार रिपीट करती रहती है, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इलाज। क्योंकि शीशपाल मलिखत और डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो इस वीडियो में जो गाय भैंसे बार बार रिपीट करती रहती है, बार बार आप उनको गैबिन करवाते हो या सीमन रखवाते हो या सीधे बुल से करवाते हो, झोटे से, बैल से करवाते हो, लेकिन वो गैबिन नहीं रुकती है, बार बार फिरती रहती है, तो उस समस्या का कंप्लीट इलाज लेकर आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं, सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी, वध तो वध अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू वध तो वध आप हौसला बधाई करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, जो गाय भैंसे गैबिन नहीं रुकती हैं और बार बार रिपीट करती रहती है, उस समस्या का पूरा इलाज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले वो कारण जान लीजिए जिनके कारण गाय भैंसे गैबिन नहीं रुकती है, क्योंकि दोस्तों कारण ही वो सबसे बड़ी चीज़ है जो गाय भैंसों को गैबिन नहीं होने देती। आप कारण का निवारण कर दीजिए, आपकी गाय भैंसे गैबिन हो जाएंगी, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इस तरह की। तो इनमें पहला कारण है दोस्तों, पशुओं के पेट में कीड़े। तो उसके लिए आप किसी भी अच्छी डिवार्मिंग की जो दवाई होती है उनसे समय समय पर डिवार्मिंग करते रहे। आप सामने कुछ डिवार्मिंग की दवाएं देख रहे हैं, इनमें से कोई एक सुबह खाली पेट अपने पशु को दे दीजिए, तो आपके पशुओं के पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपके जो पशुओं की गैबिन ना रुकने की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, ये हर तीसरे महीने आपने ज़रूर अपने पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई देते रहना है, और हर बार अलग दवाई से डिवार्मिंग करें, पेट के कीड़ों की सफाई हर बार अलग अलग दवाई से करें। तो दूसरा कारण है दोस्तों, मिनरल्स की कमी। तो दोस्तों, जो ये समस्या है वो ज़्यादातर किसी न किसी मिनरल्स की कमी आपके पशु में हो जाती है, उसके कारण देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपने अपने पशुओं को किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर लगातार देते रहना है, 50-60 ग्राम, 100 ग्राम तक। तीसरा कारण है दोस्तों, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस कारण से गाय भैंस गाभिन नहीं रुक पाती है। तो उसके लिए आपने अपने नज़दीकी जो डॉक्टर है उससे बच्चेदानी में दवाई रखवानी है। 20 ml बीटाडीन आप रखवा सकते हैं, या तो फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होती है वो भी 20 ml रखवा सकते हैं, दोनों में से कोई एक रखवा सकते हैं। और उसके बाद जब एक हीट आए वो आपने छोड़ देनी है, और दूसरी जो हीट आए तब आपने अपने गाय भैंसों को गैबिन करवाना है, आपकी गाय भैंस ज़रूर रुक जाएगी। चौथा कारण है दोस्तों, बच्चेदानी के अंदर कोई भी सिस्ट, गांठ हो जाती है या सूजन हो जाती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक वेटमेट इंजेक्शन आता है वो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से आपने लगवा देना है, तो जो सिस्ट है, गांठ है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी गाय भैंस की गैबिन रुक जाएगी। या तो फिर और जो डॉक्टर होते हैं वो मसाज भी कर देते हैं गांठ के ऊपर, तो उससे भी गांठ ख़त्म हो जाती है। पांचवा कारण है दोस्तों, सीमन की क्वालिटी। तो आपने किसी भरोसेमंद एआई वर्कर से अपने पशु की एआई करवानी है, सीमन रखवाना है, या तो अगर किसी बुल से, बैल से या झोटे से आप डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाते हैं तो अच्छा बुल होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। और जो सीमन आप रखवा रहे हो वो आप देख ले कि एक तो 5-7 मिनट तक ही आप उसको बाहर रख सकते हैं पानी में, यानी कि जब सीमन गैस से बाहर निकालते हैं तो उससे 5-7 मिनट के अंदर वो लगा देना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा देर हो जाए तो फिर
जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है और वो काम नहीं करता है, जिस कारण से गाय भैंसें गैबिन नहीं रुक पाती है। छठा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो है ओवुलेशन की जो टाइमिंग है वो सही समय पर नहीं होती है। जो अंडा बनने की प्रक्रिया है वो सही समय पर नहीं होती है, तो उसके लिए जब भी आप अपनी गाय भैंसों को गैबिन करवाओ, उससे 2-3 घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले भी आप लगवा सकते हैं। कोई भी बुसरलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन लगवा दीजिए। इसके बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, जो मशहूर इंजेक्शन है वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। आप गैनरिच इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या तो फिर रिसेप्टोल इंजेक्शन आता है इसी साल्ट का, वो लगवा सकते हैं, या तो फिर असोर्ड इंजेक्शन आता है वो लगवा सकते हैं, या तो फिर कोरोनोल इंजेक्शन आता है वो भी लगवा सकते हैं। इनमें से कोई एक आप लगवा सकते हैं, तो उसे जो ये अंडा बनने की प्रक्रिया है वो सही समय पर होगी और आपकी गाय भैंस गैबिन रुक जाएंगी। तो दोस्तों, इस समय पर कुछ लोग है वो ठंड वाला इंजेक्शन भी लगवा देते हैं, ठंडा टीका जिसको बोलते हैं, वो अभी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वो कब लगवाना है, वो आप जब अपनी गाय भैंस को गैबिन करवाते हैं या सीमन रुकवाते हैं, उसके बाद दिन गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गैबिन करवाने के 5 या 6 दिन बाद आपके पशु में अगर गर्मी बनती है, गर्मी के कारण वो प्रेग्नेंट नहीं रुक पाती है, तब आपने ये ठंड वाला टीका लगवाना है, जिसका नाम है क्यूरा प्रोजेन, जो कि आप सामने स्क्रीन पर जिसकी तस्वीर देख सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को आप फॉलो कर लीजिए, आपकी गाय भैंस किसी भी कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। सभी कारण मैंने बता दिए, उनके निवारण भी साथ साथ में बता दिए, तो इससे आपकी गाय भैंस 100% नहीं तो कम से कम 95% गाय भैंसें जरूर प्रेग्नेंट रुक जाएंगी। तो दोस्तों, आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight.